One. Hope you all are doing great. Welcome back to the YouTube channel of Winning Edge. And today we'll be starting with a new topic in intelligence test, and that is mathematical operations. This is a basic topic uh, related to your mathematical operations that you might be doing in your maths also. But we'll be studying it from the point of the questions that will be coming in your intelligence test paper.

डिफरेंट सिम्बल्स प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड ये जो क्या हैं ये आपके सिम्बल्स हैं ये आपके ऑपरेटर्स हैं जिनके बेसिस पे आप मैथमेटिकल ऑपरेशन को सॉल्व करते हैं जस्ट लाइक वैन यू आर यूजिंग अ कैलकुलेटर आई थिंक आप बेसिक कैलकुलेटर आप में से सब यूज़ करते होंगे सो so, आपके बेसिक कैलकुलेटर में भी एक तरफ तो आपके नंबर्स होते हैं ये जो नंबर्स हैं ये जो ये नंबर्स हैं आपकी वैल्यूज़ हैं और बेसिक आप ये जो इसपे ऊपर आप एक्शन करते हो जो फंक्शन आप परफॉर्म करते हो आप प्लस परफॉर्म करते हो माइनस परफॉर्म करते हो मल्टीप्लाई करते हो या डिवाइड करते हो आप कोई ना कोई फंक्शन परफॉर्म करते हो आप कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म करते हो सो इन नंबर्स के ऊपर जब जब आप कोई एक्शन परफॉर्म करते हो उसी से आप अपने एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हो सो इन मैथ्स यू आर डीलिंग विद नंबर्स एंड सिंबल्स नंबर्स आर वैल्यूज एंड सिंबल्स आर फंक्शंस मैथ्स में हम किससे डील कर रहे हैं हम नंबर्स से डील कर रहे हैं और नंबर्स रिप्रेजेंट करते हैं कोई वैल्यू रिप्रेजेंट करते हैं और यहाँ पे जो आप देख रहे हैं एडिशन मल्टीप्लीकेशन सब्सट्रैक्शन डिविजन यहाँ पे हम वी आर यूजिंग अ पर्टिकुलर सिंबल लाइक वी आर यूजिंग अ सिंबल फॉर एडिशन वी आर यूजिंग अ सिंबल फॉर मल्टीप्लीकेशन सो ये जो सिम्बल्स हैं इन सब पे आप एक्ट कर रहे हो नंबर्स पे आप एक्ट करके आप अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हो तो ये जो सिम्बल्स हैं दीज आर योर फंक्शंस So let me try to make it more simple for you with an example here on your screens. If 3 and 5 are two given numbers, आपको ek question में दो numbers दे रखे हैं 3 and 5 तो ये क्या है आपकी न्यूमेरिक वैल्यू है इनको हम क्या बोलते हैं नंबर्स बोलते हैं या वैल्यूज बोलते हैं एंड एड इज द फंक्शन आपको क्या परफॉर्म करना है क्या एक्शन आपको परफॉर्म करना है यू हैव टू परफॉर्म द एक्शन ऑफ एडिशन सो थ्री और फाइव और थ्री और सेवन जो भी आपको है, उस को हम क्या लिख सकते हैं है, या सेवन ऑपरेंड ओ पी आर ए एन डी एस दो चीजें होती है ऑपरेटर एंड ऑपरेंड ठीक है तो जो आप एक्शन कर रहे हैं आप प्लस का एक्शन कर रहे हैं दैट इज योर ऑपरेटर जो बेसिक एक्शन आप परफॉर्म कर रहे हैं और जिन नंबर्स पे वो एक्शन हो रहा है उन नंबर्स को जैसे थ्री एंड सेवन है या थ्री एंड फाइव है उन नंबर्स को हम बोलते हैं ऑपरेंट्स सो एनी बेसिक एक्शन एनी परफॉर्मेंस कुछ भी परफॉर्म कर रहे हैं हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में वी आर रिक्वायरिंग ऑपरे ऑपरेंट्स एज वेल एज ऑपरेटर अगर ऑपरेटर है और ऑपरेंट्स नहीं है तभी भी एक्शन परफॉर्म नहीं होगा और अगर ऑपरेंट्स हैं और ऑपरेटर नहीं है तभी भी एक्शन परफॉर्म नहीं होगा सो वेन वी आर सॉल्विंग आर क्वेश्चन जब हमें क्वेश्चन मिलेंगे और हम हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं तो हमें क्या ध्यान में रखना है वट इज़ द प्रायोरिटी रूल वेन वी आर सॉल्विंग क्वेश्चन बिकॉज एक सिंपल क्वेश्चन तो आप लोगों को मिलेगा नहीं कि थ्री प्लस फोर हमें क्या करना है आपको जो क्वेश्चन मिलेगा उसमें मल्टीपल ऑपरेशंस uh, हो सकते हैं मतलब ऐड भी करना है मल्टीप्लाई भी करना है डिवाइड भी करना है कुछ ब्रैकेट भी दे रखा है सो यू हैव टू डिसाइड अपॉन द प्रायोरिटी लेवल ऑफ दीज मैथमेटिकल ऑपरेशंस सो इट इज अ प्रीडिफाइंड रूल बेस्ड ऑन विच मैथमेटिकल ऑपरेशन कैन भी परफॉर्मड अब मैथमेटिकल ऑपरेशन आपको समझ में आ गए कि हमें कुछ भी परफॉर्म करना है क्वेश्चन में हमें प्लस करना है माइनस करना है पर इनका प्रायोरिटी लेवल क्या है जब क्वेश्चन में आपको अगर ब्रैकेट मिलेगा तो ब्रैकेट का प्रायोरिटी लेवल जो है सबसे टॉप पे है ठीक है फिर उसके बाद ऑर्डर ऑफ पावर ऑर्डर ऑफ पावर और स्क्वेर का प्रायोरिटी लेवल सेकेंड लेवल पे है देन डिविजन क्शन जिसे आप शॉर्ट में क्या बोलते हैं बॉड मास वी कॉल इट एज बॉडमास ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीप्लाई एड एंड सब्रैक्ट जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन में आपको सारे ऑपरेशन मिलेंगे बट जो भी आपको ऑपरेशन मिलेंगे यू हैव टू डिसाइड अपॉन द प्रायोरिटी लेवल अगर ब्रैकेट नहीं है तो रहने दो ठीक है अगर हो सकता है उस क्वेश्चन में डिविजन पहले करना है या डिवीजन के बाद अगर मल्टीप्लिकेशन नहीं है तो आप एडिशन करेंगे तो जो आपका प्रायोरिटी लेवल है वो स्टार्ट होता है ब्रैकेट से देन ऑर्डर ऑफ पावर और स्क्वायर डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन स्टूडेंट्स आप जब भी कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं आपको प्रायोरिटी लेवल चेक करना है इन मैथमेटिकल ऑपरेटर्स का एक जनरल रूल जो आपने पहले भी पढ़ा होगा दैट इज बॉड मास सबसे पहले आप ब्रैकेट सॉल्व करते हैं फिर ऑफ करते हैं फिर मल्टीप्लाई करते हैं फिर डिवाइड करते हैं फिर एडिशन करते हैं और फिर सब्सट्रैक्शन करते हैं सो एज़ यू कैन सी हेयर यहाँ पे एक और हमने ऐड करा है दैट इज़ वी विनकुलम और बार अगर आपके एक्सप्रेशन में कहीं पे बार है बार का सिंबल कैसा होता है ऐसे कहीं पे आपका बार दे रखा होता है तो उस वाले पोर्शन को उस एक्सप्रेशन के उस पोर्शन को आप सबसे पहले सॉल्व करेंगे फिर आप ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे ब्रैकेट्स जो है आपके ये वाले ब्रैकेट्स भी हो सकते हैं ये वाले ब्रैकेट्स कर्ली ब्रेसेस भी हो सकते हैं और ये वाले ब्रेसेस भी हो सकते हैं तो सबसे पहले अगर आपके क्वेश्चन में ये वाला ब्रैकेट है आप इसको सॉल्व करेंगे फिर सेकेंड लेवल पे इसको सॉल्व करेंगे और फिर थर्ड लेवल पे स्क्वायर ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे देन ब्रैकेट्स के बाद आता है आपका ऑफ या पावर और स्क्वायर रूट कुछ भी चीज़ आपको टू द पावर टू रेस टू द पावर थ्री या स्क्वायर रूट में दे है आप उसको सॉल्व करेंगे देन आप डिविजन फंक्शन को सॉल्व करेंगे देन आपका प्रायोरिटी लेवल में आता है मल्टीप्लिकेशन देन एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन सो अगर हम प्रायोरिटी लेवल की बात करें तो प्रायोरिटी लेवल सबसे दिस इज द टॉप प्रायोरिटी एंड दिस इज द लोएस्ट प्रायोरिटी ये देखते हुए ही आपको अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है हेयर ऑल्सो यू कैन सी अ बेसिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल दीज सिंबल्स ये आपके जो सारे सिम्बल्स हैं दैट इज योर बार योर ब्रैकेट्स एंड द ऑर्डर्स ठीक है वी बॉड मास और यहाँ आप रिप्रेजेंटेशन में कलरफुल देख सकते हैं ब्रैकेट्स रिप्रेजेंट कर रखे हैं आपके स्क्वेयर रूट या रेस टू द पावर या डिवाइड या मल्टीप्लाई एंड देन एडिशन और सब्सट्रैक्शन सो टॉप प्रायोरिटी एंड देन सो ऑन आपकी ये प्रायोरिटी लेवल ऐसे जा रहा है अब इसी चीज़ को हम जो क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं उसमें हम देखेंगे हम डिफरेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और हम इस इसी ऑर्डर में ही आपको उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है सो लेट्स स्टार्ट प्रैक्टिसिंग विद अ फ्यू सैंपल क्वेश्चंस। सो स्टूडेंट्स लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग अ फ्यू सैंपल क्वेश्चन द फर्स्ट क्वेश्चन ऑन यूर स्क्रीन इज इफ प्लस मीन्स डिवाइड डिवाइड मीन्स माइनस माइनस मीन्स मल्टीप्लाई एंड मल्टीप्लाई मीन्स प्लस देन पहले ध्यान से क्वेश्चन को समझिए यहाँ पे उन्होंने क्या कर दिया है आपके ऑपरेटर्स ही इंटरचेंज कर दिए हैं क्वेश्चन में जहाँ पे भी प्लस आएगा आपको उसको रिप्लेस करना है डिवाइड से जहाँ पे भी डिवाइड आएगा आपको उसको रिप्लेस करना है माइनस से और जहां माइनस आएगा उसको मल्टीप्लाई से रिप्लाई रिप्लेस करना है और मल्टीप्लाई को रिप्लेस करना है प्लस से सो यू गेट दीज काइंड ऑफ क्वेश्चन जहां पे ऑपरेटर्स को ही इंटरचेंज कर दिया है तो क्वेश्चन क्या है हमारे सामने जो एक्सप्रेशन है जिसे हमें सिंप्लीफाई करना है दिस इज द एंटायर एक्सप्रेशन जिसको आपने सिंप्लीफाई करके आंसर कैलकुलेट करना है ट्वेल्व प्लस सिक्स डिवाइड बाई थ्री माइनस टू मल्टीप्लाई बाई एट इज इक्वल टू अभी आपको सबसे पहले तो फर्स्ट स्टेप क्या करेंगे हम ऑपरेटर्स इंटरचेंज कर लेंगे ठीक है तो प्लस का मतलब क्या है डिवाइड डिवाइड का मतलब क्या है यहाँ पे माइनस माइनस का मतलब क्या है यहाँ पे मल्टीप्लाई एंड मल्टीप्लाई का मतलब क्या है यहाँ पे प्लस So, ये फर्स्ट स्टेप जो आप सॉल्विंग का करेंगे उनकी पोजिशन इंटरचेंज कर लेंगे अब पोजिशन इंटरचेंज करने के बाद आप इस क्वेश्चन में कोई ब्रैकेट नहीं है इस क्वेश्चन में कोई ऑफ नहीं, नहीं है तो सबसे पहले आप कौन सा ऑपरेशन सॉल्व करेंगे ट्वेल्व डिवाइड बाई सिक्स दैट इज टू टू माइनस थ्री मल्टीप्लाई बाई टू प्लस एट ओके सेकेंड स्टेप आप क्या करेंगे अब नेक्स्ट आपको क्या करना है डिविजन के बाद आपको क्या करना है आपको मल्टीप्लीकेशन करना है उसी सीक्वेंस में आपने सारी चीजें सॉल्व करनी है सो so नेक्स्ट क्या होगा आपका सिक्स होता है नेक्स्ट स्टेप क्या होगा आप प्लस वाले प्लस कर लेंगे एट और टू हो जाएगा आपका टेन सो टेन माइनस सिक्स टेन माइनस सिक्स विल गिव यू द आंसर टेन माइनस सिक्स इज इक्वल टू फोर सो योर करेक्ट आंसर फॉर दिस विल बी फोर ओके आपने स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है पहले हमने जैसे उन्होंने क्वेश्चन में हमें बोला था इंटरचेंज कर दो हमने वो इंटरचेंज कर दिया फिर फर्स्ट स्टेप में हमने यहाँ पे सबसे पहले क्या सॉल्व करा है डिवीजन सॉल्व करा है ठीक है फिर हम मल्टीप्लिकेशन सॉल्व कर रहे हैं फिर हम एडिशन सॉल्व कर रहे हैं फिर हम सब्सट्रैक्शन सॉल्व कर रहे हैं सो हम है. so हमें उसी सिक्वेंस में सॉल्व करना है सो योर करेक्ट आंसर विल बी फोर सो सेकेंड क्वेश्चन सो यू कैन कीप ऑन प्रैक्टिसिंग साइड बाई साइड सो दैट आपको समझ आ जाए और आपका आंसर भी साथ साथ निकल जाए सो so जैसे फर्स्ट क्वेश्चन था उसी तरह का ये सेकेंड क्वेश्चन है यहाँ पे भी इफ माइनस डिनोट्स एडिशन यहाँ पे भी इंटरचेंज कर दिया है माइनस को क्या कर दिया है एडिशन प्लस डिनोट्स सब्सट्रैक्शन प्लस को क्या कर दिया है माइनस मल्टीप्लाई डिनोट्स डिविजन मल्टीप्लाई को क्या कर दिया है डिविजन एंड डिविजन डिनोट्स मल्टीप्लीकेशन लगा देंगे रिप्लेस so करना है ठीक है ठीके? तो यहाँ पे फर्स्ट जगह पे जब हम रिप्लेस करेंगे तो यहाँ पे क्या आ गया आपका प्लस आ गया ठीक है जब हम मल्टीप्लीकेशन को रिप्लेस करते हैं तो मल्टीप्लीकेशन का क्या हो गया यहाँ पे डिविजन ठीक है और डिवीजन का क्या बता रखा है डिवीजन का हो जाएगा आपका मल्टीप्लीकेशन एज इट इज मैं अपने आप से कुछ नहीं कर रही जो क्वेश्चन में है. और प्लस का क्या बता रखा है सब्सट्रैक्शन ठीक है सो फर्स्ट स्टेप आपने क्या कर दिया जो आपको क्वेश्चन में दे रखा है वहां वहां पे आपने वो सिंबल्स ही रिप्लेस कर दिए अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे सो so सबसे फर्स्ट स्टेप में क्या होगा एडिशन होगा मल्टीप्लीकेशन होगा डिविजन होगा कि सब्सट्रैक्शन होगा अकॉर्डिंग टू द रूल हम सबसे पहले इस क्वेश्चन में क्या सॉल्व करेंगे सबसे पहले क्या सॉल्व होगा आपका डिवीजन क्योंकि ब्रैकेट और ऑफ तो यहाँ पे नहीं है तो सबसे पहले हम डिवीजन सॉल्व करेंगे सो डिवाइड बाय आप इसका आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं मेंटली ब्रेन में आपका क्या आ जाएगा फाइव टू जे टेन टू आ गया इंटू सिक्स माइनस फोर ठीक है फर्स्ट स्टेप हो गया सेकेंड स्टेप में क्या होगा डिविजन के बाद हम क्या करते हैं डिविजन के बाद नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं मल्टीप्लीकेशन सो क्या होगा सेवेन प्लस टू सिक्स होता है आपका ट्वेल्व माइनस फोर ठीक है सेकेंड स्टेप अब इसके बाद हम क्या करेंगे एडिशन करेंगे और फिर हम सब्सट्रैक्शन करेंगे वेरी इजी सेवन प्लस ट्वेल्व दैट यू नाइनटीन एंड नाइनटीन माइनस फोर नाइनटीन माइनस फोर कितना होगा फिफ्टीन सो योर करेक्ट आंसर फॉर दिस विल बी फिफ्टीन सो आई होप ऐसा कोई भी क्वेश्चन आता है इट इज वेरी बेसिक आप धीरे धीरे करेंगे कंसंट्रेशन से करेंगे आप कुछ मिस कैलकुलेशन नहीं करेंगे जो ऑपरेटर बता रखा है उसी को उसी वैल्यू से इंटरचेंज करेंगे जैसे माइनस को एडिशन बोल रखा है तो आप माइनस को एडिशन से ही इंटरचेंज करेंगे एंड डेफिनेटली आपका करेक्ट आंसर आएगा चलिए एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री इफ मल्टीप्लाई मीन्स सब्सट्रैक्शन एडिशन दैट इज प्लस मीन्स मल्टीप्लिकेशन माइनस मीन्स एडिशन देन फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन सो साथ साथ सॉल्व कीजिए और कमेंट्स में मुझे आंसर भेजिए किसका सबसे पहले सॉल्व हो जाता है ठीक है ट्वेल्व प्लस प्लस का मतलब बोला क्या मल्टीप्लीकेशन अभी ये चीज आप ध्यान रखिए ब्रैकेट में है ठीक है ये वाला ऑपरेशन जो है आपका ब्रैकेट में है पर हमने मल्टीप्लाई को किससे इंटरचेंज करा हमने मल्टीप्लाई को इंटरचेंज करा सब्सट्रैक्शन से सो so, यहाँ पे क्या हो जाएगा थ्री माइनस वन अब प्लस को हमने किससे चेंज करा प्लस को हमने चेंज करा मल्टीप्लीकेशन से प्लस मीन्स मल्टीप्लीकेशन एंड सब्सट्रैक्शन को हमने किससे चेंज करा सब्सट्रैक्शन मीन्स एडिशन फोर प्लस 1. हो गया फर्स्ट स्टेप में खाली जो क्वेश्चन में दे रखा है वही आपने लिखना है hmm. अब हमें सबसे पहले क्या सॉल्व होगा इस क्वेश्चन में सबसे पहले सॉल्व होगा ब्रैकेट सो थ्री माइनस वन दैट इज टू है ना मल्टीप्लाई एज इट इज आ जाएगा ट्वेल्व इंटू टू इंटू फोर प्लस वन ठीक है, टू टू कर लो पहले चाहे टू इंटू फोर कर लो एक ही बात है टू फोर सा एट एंड ट्वेल्व एट सा क्या होता है 96. 12 8 जा होता है 96. 96 1, यहां पे कोई सब्सट्रैक्शन ही नहीं है डिविजन भी नहीं है सो so 96 सिक्स प्लस वन गिव्स यू 97 सेवन सो योर करेक्ट आंसर इन दिस केस विल बी 97 सेवन सो आई होप सबका करेक्ट आंसर आया होगा इट इज सिंपल लेट्स सॉल्व अनदर क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फोर इफ ए मीन्स प्लस बी मीन्स माइनस सी मीन्स मल्टीप्लाई एंड डी मीन्स डिवाइड देन अब ये क्वेश्चन दूसरे तरह से है यहाँ पे उन्होंने क्या कर रखा है क्वेश्चन में यहाँ पे सी ए बी डी लगा रखा है पहले वाले क्वेश्चन में क्या था यहाँ पे प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ भी लगा रखा था यहाँ पे उन्होंने सी ए बी डी लगा रखा है और यहाँ पे आपको बता रखा है कि ए का मतलब ये है बी का मतलब ये है सी का मतलब यह है तो सिंपल क्वेश्चन है अभी जो सी का मतलब है वो आप यहाँ पे लगा दो तो यहाँ पे आप मल्टीप्लाई लगा दो एटीन इंटू फोर्टीन ए का मीनिंग क्या है प्लस तो यहाँ पे आप लगा देंगे प्लस ठीक है बी का मीनिंग क्या है बी मीनस माइनस आप लगा देंगे माइनस एंड डी का मीनिंग क्या है डिवाइड डिवाइड डी तो यहां पे आप लगा देंगे डिवाइड ठीक है सिंपल इजी पहला स्टेप आपका सॉल्व हो गया अब आप बताएंगे कि अब हम सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे हम पहले मल्टीप्लाई करेंगे प्लस करेंगे माइनस करेंगे या कुछ भी कर सकते हैं हमने भी पढ़ा प्रायोरिटी लेवल ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीप्लाई एट सब्सट्रैक्ट तो सबसे पहले हम क्या करेंगे हम डिवाइड करेंगे सिक्सटीन को जब हम फोर से डिवाइड करेंगे फोर फोर सेन हमें मिल जाएगा फोर बाकी हम एज इट इज लिख देते हैं एटीन मल्टीप्लाई बाई फोरटीन प्लस सिक्स माइनस क्या हो गया आपका फोर नेक्स्ट हम क्या करेंगे प्लस करेंगे माइनस करेंगे कि मल्टीप्लाई करेंगे अकॉर्डिंग टू द लेवल प्रायोरिटी लेवल हमें क्या करना चाहिए मल्टीप्लाई सो एटीन को आप फोर्टीन से मल्टीप्लाई करेंगे एटीन को जब आप फोर्टीन से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर यू विल गेट इज टू फिफ्टी टू आप अपना कैलकुलेशन क्विकली कर सकते हैं सो टू फिफ्टी टू प्लस सिक्स माइनस फोर थर्ड स्टेप हो गया अब हम क्या करेंगे 252 में 6, कर देंगे. कितना हो जाएगा टू फिफ्टी एट टू फिफ्टी एट माइनस फोर टू फिफ्टी एट में से जब हम फोर सब्सट्रैक्ट करेंगे द आंसर वी गेट इज टू फिफ्टी फोर हेयर इज योर आंसर सो इसमें आपका करेक्ट आंसर है ए सो क्विकली टेल मी कितने बच्चों का करेक्ट आंसर आया है इन द कमेंट सेक्शन and then we will move on to the next question so let us practice another question question number 5 if 9 multiplied by 5 multiplied by 2 is equal to 5 to 9 and 4 into 7 into 2 is equal to 7 to 4 then 3 into 9 into 8 is equal to now a question previous questions are different hai, yahan pe different pattern hai. एंड इफ़ यू रिमेंबर इंटेलिजेंस टेस्ट के एक टॉपिक में हमने इस तरह का क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व कर रखा है तो यहाँ पे इन्होंने क्या कर रखा है खाली दे हैव चेंज द पोजिशन दिस इज द पोजिशन नंबर वन दिस इज द पोजिशन नंबर टू एंड दिस इज द पोजिशन नंबर थ्री और यहाँ पे पोजिशनिंग क्या हो गई आपकी यहाँ पे सेकेंड पोजिशन आ गई यहाँ पे थर्ड पोजिशन आ गई और यहाँ पे फर्स्ट पोजिशन आ गई सो so इन्होंने क्या करा है खाली इंटरचेंज करी है पोजिशन ठीक है फाइव की पोजीशन आपकी ये चली गई टू की पोजीशन ये आ गई सिमिलरली फोर सेवन टू में भी उन्होंने वही करा है फोर सेवन टू सेवन की पोजीशन क्या है उसमें सेकंड पोजीशन है बट आपके आंसर में seven की पोजीशन क्या है फर्स्ट है देन uh, uh, की पोजीशन क्या है आपकी फर्स्ट है बट आंसर में फोर्थ की पोजीशन क्या है आपकी लास्ट है एंड टू की पोजिशन आपकी क्वेश्चन में तो थर्ड है बट आपके आंसर में उसकी पोजिशन मिडल है सिमिलरली आपको इस वाले क्वेश्चन में देखना है थ्री इंटू नाइन इंटू एट अगर यहाँ पे भी आप उनकी पोजिशन इंटरचेंज करेंगे ठीक है सो so, आपकी लास्ट में किसकी पोजिशन जाएगी जो फर्स्ट में है उसकी पोजिशन आपकी लास्ट में चली जाएगी ठीक है जो आपका सेकेंड में है उसकी पोजिशन आपकी स्टार्टिंग में चली जाएगी और जो आपका थर्ड में है उसकी पोजीशन जो है आपकी सेकंड नंबर पे चली जाएगी या मिडिल में चली जाएगी यू हैव जस्ट इंटरचेंज द पोजीशन दिस इज़ द मोस्ट सिंपलेस्ट क्वेश्चन सो योर करेक्ट आंसर विल बी ए दैट इज़ नाइन एट थ्री सो यू हैव टू सी द पैटर्न क्वेश्चन में आप पैटर्न देखो और उसी पैटर्न के बेसिस पे जो उन्होंने फर्स्ट नंबर और सेकेंड नंबर में पैटर्न दे रखा है वही पैटर्न आपको थर्ड नंबर में फॉलो करना है और अगर आपके ऐसे क्वेश्चन आते हैं बहुत आसानी से आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा

ये पहला ब्रैकेट है ये दूसरा ब्रैकेट है और तीसरा ब्रैकेट है ठीक है ब्रैकेट्स में है सारे सो so, सबसे पहले तो हम उनके जो साइंस है वो इंटरचेंज कर लेते हैं जैसे कि क्वेश्चन में गिवन है सो so, डिवाइड की जगह क्या है डिवाइड की जगह है एडिशन और यहाँ पे भी डिवाइड की जगह क्या हो जाएगा आपका एडिशन हो जाएगा ठीक है मल्टीप्लाई मीन्स सब्सट्रैक्शन जहाँ पे भी मल्टीप्लाई है यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका सब्सट्रैक्शन ठीक है एज इट इज बाकी ऐसा ही लिख लेंगे ठीक है मल्टीप्लाई मीन्स सब्सट्रैक्शन यहाँ पे भी मल्टीप्लाई है मल्टीप्लाई सब्सट्रैक्शन तो कितनी जगह आपका सब्सट्रैक्शन चेंज हो गया है अब हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं फिफ्टीन माइनस नाइन फिफ्टीन माइनस नाइन क्या होता है सिक्स प्लस ट्वेल्व माइनस फोर ट्वेल्व माइनस फोर क्या होता है एट माइनस फोर प्लस फोर फोर प्लस फोर क्या होता है एट सॉल्व कर, तो कर लिया फिर इज इक्ल टू एट अब हम क्या सॉल्व करेंगे अब हम पहले ऐड कर लेंगे और फिर जो हमारे पास आंसर आएगा उसमें से हम एट को सब्सट्रैक्ट कर लेंगे सो एट प्लस सिक्स कितना होता है एट प्लस सिक्स इज फोर्टीन कितना होता है एट प्लस सिक्स की फिफ्टीन होता है एट प्लस सिक्स कितना होता है फोर्टीन फोर्टीन माइनस एट फोर्टीन माइनस एट क्या आएगा आपका करेक्ट आंसर दैट विल बी योर आंसर कितना होता है फोर्टीन माइनस एट क्विकली यू कैन टाइप इट इन द कमेंट सेक्शन सो योर करेक्ट आंसर विल बी सिक्स फोर्टीन माइनस एट इज इक्वल टू सिक्स सिक्स विल बी योर आंसर क्वेश्चन नंबर सेवन इफ आर मीन्स मल्टीप्लाई डी मीन्स डिवाइड ए मीन्स प्लस एंड एस मीन्स माइनस अगेन इन्होंने आर डी ए जैसे पहले क्वेश्चन में ए बी सी डी करा था ये आपका एक्सप्रेशन है दिस इज योर एंटायर एक्सप्रेशन सो यहाँ पे एक्सप्रेशन में D को किससे रिप्लेस करा R को किससे रिप्लेस करा S को किससे रिप्लेस करा और ए को किससे रिप्लेस करा हमने इनको मैथमेटिकल सिंबल से रिप्लेस कर दिया है सो so, D को यहाँ पे रिप्लेस किया गया है डिवाइड से ए को रिप्लेस किया गया है प्लस से एंड एस को रिप्लेस किया गया है माइनस से एंड आर को रिप्लेस किया गया है मल्टीप्लाई से ठीक है बाकी हम एक्सप्रेशन एज इट इज़ लिख लेते हैं यहाँ पे नाइन्टी फाइव रहेगा यहाँ पे नाइनटीन रहेगा यहाँ पे एलेवन रहेगा यहाँ पे ट्वेंटी एट रहेगा और यहाँ पे सेवनटीन रहेगा सेम हमने कॉपी कर लिया अब सबसे पहले हम क्या सॉल्व करेंगे क्या हम डिवाइड करेंगे क्या हम मल्टीप्लाई करेंगे क्या हम सब्सट्रैक्ट करेंगे क्या हम

फिफ्टी फाइव माइनस ट्वेंटी एट प्लस सेवनटीन ठीक है आपने उसको सिंप्लीफाई कर लिया फाइव इंटू इलेवन दैट इज फिफ्टी फाइव फिफ्टी फाइव माइनस ट्वेंटी और सेवनटीन प्लस करके आपका कितना होता है that is 72. 72 में से आप ट्वेंटी एट माइनस करेंगे एंड यू विल गेट द करेक्ट आंसर सेवेंटी टू में से जब आप ट्वेंटी एट माइनस करेंगे सो so आपको क्या मिलेगा फोर्टी फोर फोर्टी फोर विल बी योर करेक्ट आंसर सो सॉल्व सॉल्वर क्वेश्चन स्टूडेंट्स एस्ट्रिक एस्ट्रिक आपका किस लिए होता है मल्टीप्लाई के लिए होता है इफ एस्ट्रिक मीन्स मल्टीप्लाई हैश मीन्स जहां पे भी हैश का सिंबल है आप माइनस से रिप्लेस करेंगे एट द रेट मीन्स डिवाइड जहां पे भी एट द रेट है आप डिवाइड करेंगे एंड डॉलर मीन्स प्लस तो इस एक्सप्रेशन में इस एंटायर एक्सप्रेशन में आपको एट द रेट को रिप्लेस करना है आपको डॉलर को रिप्लेस करना है आपको एस्ट्रिक को रिप्लेस करना है और आपको हैश को रिप्लेस करना है सो कीप इन टू माइंड ऐसे ही आपको क्वेश्चन आने वाले हैं या तो वो ए बी सी डी दे देंगे या कोई भी सिम्बल्स लगा देंगे जिनको जो गिवन मैथमेटिकल ऑपरेटर्स होंगे उनसे आपको सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में रिप्लेस करना है सो so हैश को रिप्लेस करा गया है माइनस से दैट इज सब्सट्रैक्शन डॉलर को रिप्लेस किया गया है प्लस से दैट इज एडिशन एस्ट्रिक को रिप्लेस किया गया है मल्टीप्लाई से दैट इज मल्टीप्लीकेशन एंड एट द रेट को रिप्लेस किया गया है डिविजन से दैट इज डिवाइड का सिंबल लगा दिया बाकी हम क्वेश्चन एज इट इज कॉपी कर लेते हैं ठीक है ओके गॉट द सेकेंड स्टेप इसको हमने एज इट इज लिख लिया है अब सबसे पहले हम क्या सॉल्व करेंगे सबसे पहले इस इस क्वेश्चन में इस सेंटेंस में इस एक्सप्रेशन में हम क्या सॉल्व करेंगे सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं डिविजन फोर डिवाइड बाय सिक्स ठीक है अगर तो क्लियरली डिवाइड हो रहा है तो आप क्लियरली डिवाइड कर लो बट नहीं तो आप उसको फोर अपॉन सिक्स करके हमने लिख लिया है ठीक है अगर ट्वेंटी फाइव डिवाइड बाई फाइव होता तो इजीली आप कर लेते हैं फाइव फाइव से ट्वेंटी फाइव और यहाँ पे आपका फाइव आ जाता बट यहाँ पे है फोर डिवाइड बाई सिक्स तो आप फोर अपॉन सिक्स लिख लो उसको आप कट कर सकते हैं नेक्स्ट स्टेप में सो ट्वेंटी फाइव माइनस फाइव प्लस थ्री ठीक है प्लस थ्री फोर डिवाइड बाई सिक्स सो यहाँ तो हम इसको कट कर लेते हैं टू टू जो फोर टू थ्री जो सिक्स एंड थ्री वन जो थ्री थ्री वन जो थ्री ऐसे करके आप कट कर लेते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट में नेक्स्ट लाइन में हम क्या लिखेंगे ट्वेंटी फाइव माइनस फाइव प्लस यहाँ पे कट कर करके हमारा आंसर क्या बचा था टू ट्वेंटी फाइव माइनस फाइव प्लस टू सो आप क्या करेंगे ट्वेंटी फाइव और टू को पहले ऐड कर लेंगे दैट इज ट्वेंटी सेवन एंड ट्वेंटी सेवन माइनस फाइव ट्वेंटी सेवन माइनस फाइव कितना आएगा सेवन माइनस फाइव टू एंड टू सो योर करेक्ट आंसर विल बी ट्वेंटी टू सो सबसे पहले हमने डिविजन करा फिर हमने मल्टीप्लीकेशन करा फिर हमने एडिशन करा और फिर हमने सब्स्ट्रैक्शन करा सो so, प्रायोरिटी आपको नहीं भूलनी जो वी बॉर्ड मास की प्रायोरिटी लेवल है वो आपको नहीं फॉगेट करना तभी आपका करेक्ट आंसर आ पाएगा सो स्टूडेंट्स अस सॉल्व अनदर क्वेश्चन अब क्वेश्चन नाइन यहाँ पे एक अलग पैटर्न में ये क्वेश्चन है ठीक है हमने डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए हैं यहाँ पे क्या है ये क्वेश्चन क्या कह रहा है सिलेक्ट द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ मैथमेटिकल साइंस हमें क्या करना है हमें करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ मैथमेटिकल साइंस सिलेक्ट करना है ये तो आपको जो गिवन है दिस इज द एक्सप्रेशन दैट इज गिवन टू यू और हमें यहाँ पे ये जितने भी एस्ट्रिक इन्होंने लगा रखे हैं इन सबको रिप्लेस करना है क्या करना है इन सारे एस्ट्रिक्स को रिप्लेस करना है और जो हमारी इक्वेशन आनी चाहिए दैट शुड बी बैलेंस्ड आई थिंक यू यू नो द मीनिंग ऑफ अ बैलेंस इक्वेशन जैसे कि आपका कुछ भी है एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू जेड तो जो भी आपका लेफ्ट हैंड साइड में है दैट शुड बी इक्वल टू द राइट हैंड साइड आपकी जो पूरी इक्वेशन है जो वो बैलेंस होनी चाहिए यही हमें इस क्वेश्चन में करना है सिलेक्ट द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ मैथमेटिकल साइंस जैसे यहाँ पे क्या आना चाहिए प्लस आना चाहिए कि माइनस आना चाहिए या मल्टीप्लाई आना चाहिए वो हमें ऑप्शन में से चेक करना है ताकि ये जो पूरी इक्वेशन है ये बैलेंस भी हो जाए तो अगर हम फर्स्ट ऑप्शन चेक करते हैं यहाँ पे है डिवाइड माइनस और इक्वल टू तो अगर हम यहाँ पे करते हैं सिक्स डिवाइड बाय फोर माइनस ट्वेल्व इक्वल टू ट्वेल्व तो क्या इसने एक्सप्रेशन को सॉल्व करने से आपका ट्वेल्व आता है सिक्स डिवाइड बाय फोर सिक्स को आपने फोर से डिवाइड करा माइनस ट्वेल्व सो यह कर टू टू जो फोर थ्री जो सिक्स थ्री अपॉन टू थ्री अपॉन टू को आप करेंगे तो ये हो जाएगा ट्वेल्व आता है नहीं ये ऑप्शन आपका गलत हो गया ठीक है इसी तरह आप नेक्स्ट वाले में चेक करेंगे जैसे नेक्स्ट वाले में क्या है सिक्स प्लस फोर माइनस ट्वेल्व इज इक्वल टू ट्वेल्व है प्लस माइनस और सॉरी यहाँ पे क्या है डिवाइड यहाँ पे क्या है डिवाइड यहाँ पे डिवाइड लग रखा है सो सिक्स प्लस फोर माइनस और यहाँ पे डिवाइड पर ऐसे तो सॉल्व करेंगे तो इक्वेशन बैलेंस नहीं होगी तो एक इज इक्वल टू तो आना चाहिए इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए तो ये ऑप्शन तो आपका बिल्कुल गलत हो जाता है ठीक है अगर आप थर्ड ऑप्शन चेक करते हैं तो थर्ड ऑप्शन क्या कह रहा है सिक्स इज इक्वल टू फोर माइनस ट्वेल्व डिवाइड बाय ट्वेल्व थर्ड वाले के ऑप्शन के हिसाब से पहले वाले में हमने इक्वल टू लगा दिया तो इस तरफ को भी बैलेंस कर सकते हैं सो फोर माइनस ट्वेल्व डिवाइड बाय ट्वेल्व क्या हो जाएगा फोर माइनस ट्वेल्व डिवाइड बाई ट माइनस वन तो हो जाएगा एंड इज थ्री टू सिक्स नहीं ये तो नॉट इक्वल टू हो जाएगा तो ये ऑप्शन भी गलत है फिर क्या हो सकता है क्या ये वाला ऑप्शन ठीक हो सकता है डी वाला जो है सिक्स अगर हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं इसको रब कर देते हैं हम ठीक है डी वाला ऑप्शन हम चेक करते हैं सिक्स मल्टीप्लाई बाय फोर माइनस ट्वेल्व इज इक्वल टू ट्वेल्व ठीक है मल्टीप्लाई माइनस इज इक्वल टू सिक्स इंटू फोर माइनस ट्वेल्व तो सिक्स फोर सा क्या होता है ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फोर माइनस ट्वेल्व इज इक्वल टू ट्वेल्व ट्वेंटी फोर माइनस ट्वेल्व कितना होता है ट्वेल्व ट्वेल्व इज इक्वल टू ट्वेल्व तो ये इक्वेशन बैलेंस हो रही है लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोला है हमें साइंस तो रिप्लेस करने हैं और साथ में ये भी चेक करना है कि इक्वेशन शुड बी बैलेंसड सो अगर हम डी वाले ऑप्शन के हिसाब से सीक्वेंस ये यूज करते हैं यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे माइनस करते हैं और यहाँ पे इज इक्वल टू करते हैं तो इक्वेशन आपकी बैलेंस होती है सो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा डी विल बी द करेक्ट आंसर सो कमिंग टू द लास्ट क्वेश्चन दैट विल बी सॉल्विंग इन टूडेज वीडियो क्वेश्चन नंबर टेन सिलेक्ट द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ मैथमेटिकल साइंस टू रिप्लेस एस्ट्रिक साइंस एंड टू बैलेंस द फॉलोइंग इक्वेशन जैसे लास्ट क्वेश्चन करा उसी तरह का क्वेश्चन है यहाँ पे भी क्या है हमें इन एस्ट्रिक साइंस को रिप्लेस करना है और इक्वेशन जो है बैलेंस्ड होनी चाहिए अब जो ऑप्शन गिवन है यहाँ पे इन्होंने सब में ही इक्वल टू एंड में लगाया है मतलब इतने पोर्शन को यहाँ तक के पोर्शन को सॉल्व करके आपका जो आंसर आएगा दैट शुड बी इक्वल टू टेन अगर इधर टेन आ रहा है सॉल्व करके और उधर भी टेन है दैट मीनस द इक्वेशन इज बैलेंस तो सारे ऑप्शन में ही इक्वल टू लगाया है अब आपको देखना है कि यहाँ पे अब हम ए से चेक करते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे है मल्टीप्लाई और यहाँ पे है माइनस सो so, क्या कर देते हैं एट मल्टीप्लाई बाई सेवन माइनस सिक्स एंड देन क्या है डिवाइड बाय फाइव और आगे तो इज इक्वल टू ही है इज इक्वल टू टेन तो इतना एक्सप्रेशन सॉल्व करके अगर हमें टेन मिलता है तो मतलब फर्स्ट ऑप्शन ही सही है नहीं तो विल ऑप्शन, सी ऑप्शन एंड डी ऑप्शन। सो सबसे पहले तो हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे ना, कि बाहर का डिवीजन करेंगे। करेंगे, सबसे पहले क्या होता तो 8, 7, क्या होता है, ब्रैकेट, ब्रैकेट में तो हम सॉल्व इसको सॉल्व कर रहे हैं 56 -6 50 को जब आप फाइव से डिवाइड करते हैं क्या मिलता है आपको बट इन केसिंग डाउट ऑप्शन बी सी डी किसमें आपको करेक्ट बैलेंस इक्वेजन मिलती है मुझे फर्स्ट में ही बैलेंस मिल गई सो आई विल टेक ए इज द करेक्ट आंसर बट फॉर यूर सेटिस्फैक्शन यू कैन प्रैक्टिस की कौन से जो एक्सप्रेशन है कौन से ऑपरेटर्स का सिक्वेंस क्या करेक्ट है इक्वल टू तो सब में है बट यहाँ पे सिक्वेंस क्या है मल्टीप्लाई माइनस डिवाइड यहाँ पे क्या है माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड सो यू हैव टू ट्राई एंड प्रैक्टिस जरूरी नहीं है कि फर्स्ट में ही आपको करेक्ट आंसर मिल जाएगा सो so स्टूडेंट्स हमने डिफरेंट पैटर्न के डिफरेंट मैथमेटिकल ऑपरेशन के टेन क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं

And I hope I have tried to make you clear the concept of mathematical operations. So, we have covered the questions based on different patterns, and we have learned all about the mathematical functions or the symbols and the numbers that are the values. So, practice the questions that are given to you for your homework, and see you soon with another topic uh, next week.